नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से कराते हैं आपको रूबरू, दिखाते हैं आपके जिले और शहर की भी खबर। तो चलिए देखते हैं आज की ताजा खबर, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा टीवी चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं उस जगह पे उपस्थित हूँ जिसको तुर्कबीघा नाम से इस गांव को जाना जाता है। और यहाँ पर आप पीछे में देख रहे हैं कि एक पोस्टर लटकाया गया है जो कि जनता दल यूनाइटेड का है, और यहाँ पर सदस्यता अभियान भी चल रहा है क्योंकि कुछ व्यक्ति इस पार्टी में यहाँ ज्वाइन किए हैं, जो कि आप आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से आप देख भी रहे हैं। और हमारे पीछे में महोदय बैठे हुए हैं जो कि सांसद महोदय हैं महाबली सिंह, और इन्होंने अभी यहाँ के कुछ व्यक्तियों ने प्रस्ताव रखा कि सर यहाँ पर विद्यालय की स्थिति बहुत जर्जर है, और सर ने आश्वासन भी दिया कि हम नियम के अनुसार बात करेंगे, प्रक्रिया करेंगे, उसके बाद इसको बनाया जाएगा। और यहाँ के कुछ जनता से मैं बात करने का प्रयास करूंगा और उसके बाद आगे भी मैं आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से आपको कुछ दिखलाने का प्रयास करूंगा। क्या नाम पड़ता है आपका? मेरा नाम हुआ शमशेर खान। अच्छा, यहाँ पर आपके गांव में अभी सांसद महोदय आए हुए हैं? हाँ बिल्कुल आए हैं जी। तो क्या मतलब यहाँ पर कौन सी बात थी, क्या आए थे? यहाँ पे सर का दौरा था और बातचीत हुआ, हमने बोले कि ठीक है यहाँ प्रोग्राम क्षेत्र सर का है तो आना जरूरी है। हाँ, क्षेत्र सर का है, ये पहला ऐसा सांसद है जो कि अपने क्षेत्र में हरदम भ्रमण करते हैं, क्योंकि आपको मैं बार बार रोहतास जिला से दिखलाता हूँ कि हर नीर में आपको दिखलाऊंगा, एक महीना के अंदर में एक दो बार अपने क्षेत्र को भ्रमण कर ही लेते हैं। और भी कुछ मैं बातें करने का प्रयास करूंगा। और क्या सर से आपने स्कूल के बारे में यहाँ बात की, तो क्या सर के क्या बोले? सर बोले, आश्वासन दिए कि हमने देखे अपने आंखों से तो स्कूल का स्थिति जर्जर है, तो सर ने आश्वासन दिए कि हम इनको जल्द से जल्द पूरा कर देंगे। बिल्कुल, अपने आंखों से इन्होंने देखा स्कूल में जाकर के, स्कूल का स्थिति जर्जर देखा, और वहां मैंने बात किया सर से, और सर वहां पर ही हमें बताया कि मैं शिक्षा पदाधिकारी से बात करूंगा, शिक्षा मंत्री से बात करूंगा, और उसके बाद में जैसा होगा वैसा मैं करूंगा। तो आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल, मैं हूं आपके साथ अक्षय प्रजन जेबी। आज तक के लिए इतना ही, अगले नोटिफिकेशन लेकर मैं फिर आपके साथ हाजिर रखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और अभी आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में कुछ व्यक्ति उपस्थित हैं जो कि यहाँ पर सदस्यता अभियान चल रहा था, वो भी जनता दल यूनाइटेड का, जो कि यहाँ पर अभी सांसद महोदय आए हुए थे। और जो लोग अभी सदस्य अभियान में भाग लिए और सदस्य बने वो हमारे साथ उपस्थित थे। एक भाई साहब इधर हैं, दूसरे भाई साहब इधर हैं, और मैं इनसे थोड़ी बातें करूंगा। क्या नाम पड़ता है आपका? मेरा नाम परवेज अख्तर है। परवेज अख्तर जी, आप कितने दिन से इस मतलब पार्टी में काम कर रहे हैं? हम लगभग यहाँ 12-13 साल हो गया। मेरे 13 साल हो चुका। आपके स्कूल की स्थिति जर्जर है, तो आपने इसके लिए पहले क्यों नहीं आवाज उठाया? हमने पहले कभी इस पर बिंदु नहीं डाले। उसके हमने जब गए तो यहाँ टीचर लोग बोले कि ऐसा ऐसा स्कूल का यहाँ हालत ठीक नहीं है। आपको तो नजर आ रहा था कि आपके स्कूल का हालत जर्जर है, उसमें आप ही लोग के बच्चे पढ़ते हैं, तो जब देखे तो हम अपने यहाँ नजर डाले, सांसद महोदय से अपना रिक्वेस्ट किए। अच्छा अच्छा, तब सांसद महोदय आए जी। चलिए, सांसद महोदय से रिक्वेस्ट किए और सांसद महोदय आए और यहाँ पर आश्वासन देकर भी गए हुए हैं। देखिए ये स्कूल कब फिर बनने के तैयारी इसका हो रहा है, क्योंकि सांसद महोदय वादा करते हैं और करने के बाद काम भी करते हैं, बहुत काम भी इनका हुआ है। और क्या नाम पड़ता है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तौफीक आलम। अच्छा, आप कब से मतलब ये जनता दल यूनाइटेड में काम कर रहे हैं? लगभग दो साल। दो साल, दो साल में आपके सरकार के तरफ से आपके इस गांव में और इस पंचायत में क्या क्या प्रोग्रेस और परिवर्तन हुआ है? प्रोग्रेस तो बहुत हुआ है, पंचायत में अभी हम लोग बोले हैं, सांसद को बुलाया गया, देखिए अभी तो ना, आपकी नजर में क्या क्या यहाँ हुआ है ये बताइए। पहले जबकि इनका अपना सरकार था नीतीश कुमार का यहाँ पर, उस वक्त यहाँ पर क्या विकास हुआ है? विकास ये कि रोड बनाया गया था। रोड बनाया गया था, और फिलहाल सब कारोबार लाइट माइट जो भी बना नीतीश के साथ, यानी आपके गांव चकाचक हो चुका है। चौका कुछ है, 90% 90 में को परसेंट 70% कुछ 90 में 70% हो गया, 30% बाकी है जो कि अभी आकर के महोदय ने यहाँ पर वादा करके गए हैं। और ये दृश्य आप साफ साफ देख रहे हैं, सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से, और मैं तुर्कबीघा में अभी उपस्थित हूँ। और अभी हमारे साथ यहाँ के तमाम भाई जुड़े हुए हैं हमारे साथ,
तो ये लाइव मैं दिखला रहा हूँ आर भाट टीवी चैनल के माध्यम से।